अच्छा गया होगा इतना मैं उम्मीद करता हूँ। तो लेट अस डिस्कस आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग वन मोल पर लीटर व्हिच ऑफ CuNO3 AgNO3 HgNO3 और MgNO3 इज बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपको दिया हो, देखो Ag प्लस से Ag का मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, Ag प्लस से Ag दिया हुआ है, Hg2 प्लस से Hg दिया हुआ है, Cu2 प्लस से Cu का दिया हुआ है और Mg2 प्लस से Mg का -2.37। इसका मतलब ये रिड्यूस नहीं होगा, माइनस दिया है इसका मतलब मैग्नीशियम के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी नहीं है। तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है। और क्वेश्चन क्या बोला था, विद इंक्रीजिंग वोल्टेज द सीक्वेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन द कैथोड विल बी। तो देखने से समझ में आ रहा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले डिपॉजिट होगा। तो 26 में बोल सकता हूं ग्रेटर ऑफ ईआरपी इजिली डिपॉजिट मेटल। तो इसका मतलब मैग्नीशियम कभी भी डिपॉजिट नहीं होगा क्योंकि उसका माइनस में दिया हुआ। तो इसका मतलब सबसे पहले Ag करेगा, उसके बाद कौन करेगा, Hg करेगा, और उसके बाद कौन करेगा, Cu करेगा। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe का दिया हुआ, Al का दिया हुआ, Br2 का दिया हुआ। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल इनके दिए हुए। बेस्ड ऑन द डाटा रिड्यूसिंग पावर ऑफ Fe2 प्लस Al एंड Br- विद इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, रिड्यूसिंग पावर आपको बताना। तो देखने से आपको समझ में आ रहा है बेटा कि सबसे ज्यादा यहां पे जो रिड्यूसिंग पावर होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होने का मतलब क्या होगा कि वो खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम रखता है, मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखेगा। तो लोअर द एसआरपी ग्रेटर विल बी रिड्यूसिंग पावर। तो लोअर द एसआरपी मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा यहाँ पे, Fe+2 का होगा, Fe+2 का होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे किसका होगा, उसके बाद यहाँ पे जो होगा सॉरी एयर का होगा ना, माइनस सॉरी सबसे कम एयर का है। उसके बाद है Fe+2, एक मिनट, Fe+2, हाँ उसके बाद Fe+2 हो जाएगा, और उसके बाद जो है मेरा उसके बाद है Br2 का। देखो जो पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑब्वियस बात है सबसे ज्यादा SRP है, मतलब ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता है, इट मींस इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, 28, which of the following statement is not correct during the working of the cell? तो देखो Cu2+ में जा रहा है, मतलब एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, सपोज करो एनोड पे रिएक्शन होगा, Cu सॉलिड कन्वर्ट होगा Cu+2 इलेक्ट्रॉन देके एक्वस में दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, एंड कैथोड पे क्या हो जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा, तो Cu2+ अगेन दो इलेक्ट्रॉन देके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ में, लेकिन ये कैथोड का रेट M2 है और इसका क्या है M1 है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, इधर से ऑक्सीडेशन होगा तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से रिड्यूस होगा तो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हो जाएगा। तो E से डिक्रीजेस एंड फॉल्स अल्टीमेट टू जीरो, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है, अच्छा सॉरी ये सही ऑप्शन दिया हुआ है, E से डिक्रीज करेगा, फॉल अल्टीमेट क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये सेल तभी बेसिकली कौन सा सेल है, कंसंट्रेशन सेल है, तो ये तभी तक वर्किंग करेगा जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, और फाइनली जब कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो ई सेल भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, M1 इंक्रीजेस M2 डिक्रीजेस, M1 इंक्रीजेस M2 डिक्रीजेस ड्यू टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ Cu2+ आने, ये गलत है, सेकंड ऑप्शन गलत है। यहां पे देखो तो उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो बाकी सब में कोई मतलब नहीं है, बाकी तो ऑब्वियस ई नॉट सर जीरो है, M1 इंक्रीज होगा, M2 decrease होगा because of due to oxidation reduction of Cu2+, सही है। चलो 29 number is a theoretical based question, तो ये आपने मैंने पहले बोला था, ये corrosion वाला जो है part है वाला instantaneous potential reaction आपको बस पढ़ने थे, और इसका जो answer है वो है 30 का D, sorry 29 का जो answer होगा वो होगा